ठीक है यार, तो नेक्स्ट काम स्टार्ट करते हैं। अगला काम है हमारे पास कि यार हमें अपना ये पैडल वाली फंक्शनैलिटी, हमने लास्ट वीडियो में इस बॉल को बना भी लिया था, मूव भी करा लिया था और बाउंड्स के अंदर भी रख लिया था कि चारों तरफ से बाउंड्स के अंदर है। अब अगला काम है इस पैडल को बनाना। ठीक है, तो इस पैडल को भी मैं फिक्स्ड ही रखने वाला हूँ, ठीक है, और इसकी भी मैं टॉप और वो टॉप की पोजीशन बेसिकली चेंज करूँगा मैं इसकी। ठीक है, तो टॉप की पोजीशन प्लस माइनस करता रहूँगा मैं। ठीक है, तो जैसे जो लेफ्ट वाले पैडल होगा उसको WS से चेंज करता रहूँगा और जो राइट वाला है उसको मैं अप और डाउन से चेंज करूँगा। ठीक है, तो अभी के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं बनाने में, तो ज़्यादा कुछ है नहीं, जब हमने बॉल बना ली तो ये तो ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो लाइए शुरू करते हैं फिर इसको। हाँ, तो ये रही मेरी HTML। HTML के अंदर यहाँ बोर्ड के अंदर बॉल रखी हुई है, तो जस्ट मैं क्या करता हूँ, पैडल डॉट लेफ्ट, ठीक है, प्लस पैडल डॉट राइट। ठीक है, तो एक बॉल है, एक पैडल लेफ्ट है, एक पैडल राइट है। ठीक है, तो स्टाइलिंग के नाम पे जस्ट जो कॉमन पार्ट होगा वो मैं इसमें लिख दूंगा। तो पैडल लिखा मैंने यहाँ पे, तो जस्ट इसका कलर भी सेम ही है और इसको मैं कुछ हाइट विड्थ दे दूंगा और इसको भी मैं पोजीशन की प्रॉपर्टी फिक्स ही देने वाला हूँ ताकि मैं इसको बाद में मूव कर पाऊँ। तो जस्ट हाइट देता हूँ इसको मैं अराउंड 120 पिक्सल्स। ठीक है, अभी तो अजीब सा ही आएगा, तो ब्राउज़र भी खोल लें। तो ये रहा हमारा ब्राउज़र, ठीक है, काफ़ी अजीब सा आ रहा है। विड्थ तो अभी इसका कोड लिखता नहीं, मैं जस्ट कॉपी उठा के ले आता हूँ, सिंपल सा कोड है। तो ये देखिए, ये रहा कोड, जस्ट लिखने में काफ़ी बोरिंग हो गया। ठीक है, तो अभी के लिए ये पतली सी पिंक लाइन जो जो आप देख रहे हो ना, वो आपका बोर्ड है। ठीक है, अब जस्ट अब मुझे फिक्स तरीके से, ठीक है, एक सिंपल सा काम कर लेते हैं कि पहले अभी एनिमेशन रोको। ठीक है, हाँ इधर आते हैं दोबारा। तो मुझे थोड़ा आगे पीछे कहीं पे करना हो तो वो मैं कर लेता हूँ। तो पोजीशन देता हूँ मैं फिक्स्ड कि भाई फिक्स रहेंगे। और मैंने एक और क्लास दी है, लेफ्ट वाले को लेफ्ट क्लास दी, राइट वाले को मैंने राइट क्लास दी है। तो उसका फ़ायदा उठाते हुए लेफ्ट को मैं कह दूंगा कि भाई देख, सिंपल सी बात है, तेरे को क्या करना है, तेरे को पेज के टॉप से 40% नीचे आना है, ठीक है, और लेफ्ट से तेरे को 12% आगे आना है। जितनी भी स्क्रीन की विड्थ है, जितनी भी अभी आपके टैब ब्राउज़र की स्क्रीन, ब्राउज़र जितना एरिया ले रहा है उसकी 12% आगे आना है। तो वो अपना आपका आगे आ गया। ठीक है, ऐसे ऐसे दो 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 बंदे थे। ठीक है, और अब ऐसे ही सेम काम मैं किसके लिए करूँगा, आपके राइट के लिए करूँगा सेम काम। इसका ऑफ कोर्स लेफ्ट थोड़ा ज़्यादा होगा, है ना, तो लेफ्ट इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा, या फिर राइट के हिसाब से कर लो कि भाई ये आपका बॉक्स के राइट बेसिकली। हाँ, तो बॉक्स राइट से कितना आगे है। ठीक है जी, हाँ तो लाइए फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ये प्लेस तो कर दिया, अब मुझे मूव करना है। यार देखो, अभी तक जो हमने गेम बनाई है ना उसमें यूज़र का कोई ना इनपुट नहीं है। ठीक है, यूज़र का इनपुट कभी ना कभी तो जाएगा। ठीक है, जैसे आप क्या करते हो, अगर आप PC यूज़ करते हो, लैपटॉप यूज़ करते हो, तो यार जब W प्रेस करते हो तो इस वर्ड को कैसे कैसे पता लगता है कि भाई W W प्रेस हुआ है या S प्रेस हुआ है या कुछ भी प्रेस हुआ है। ठीक है, तो एक्चुअली मशीन्स के अंदर इवेंट लिसनर लगे होते हैं, ठीक है, जिनका यूज़ करती हैं ये सब एप्लीकेशंस। ठीक है, वैसे ही जब भी कोई भी की प्रेस होती है ना, तो ब्राउज़र हमें क्या देता है, कुछ इवेंट लिसनर देता है। ठीक है, और उसने पहले से इवेंट डिफाइन कर रखे हैं कि भाई जब भी की प्रेस होगी तो एक इवेंट मैं आपको एमिट कर दूंगा, आप उसके लिसन करोगे ना। तो जैसे मान लो किसी ने W प्रेस करा, अगर आप W के लिसन कर रहे होगे तो जब भी W प्रेस होगा वो आपको बता दे, जस्ट ये चीज़ है। तो आपके पास, अगर आप देखो तो आपके पास MDN सर्च करना एक बारी, मोज़िला डेवलपर नेटवर्क, ब्रेंडन आइक ने बनाया था, ब्रेंडन आइक ने ही जावास्क्रिप्ट बनाई थी और वो जावास्क्रिप्ट
नेटस्केप में लगी थी, ठीक है, तो दुनिया का सबसे पहला तो नहीं, बस सबसे पॉपुलर ब्राउज़र था उस टाइम का, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट फर्स्ट टाइम MDN के फाउंडर ने बनाई थी, ठीक है। तो जस्ट ये गो टू रिसोर्स है मतलब कि, ठीक है, फायरफॉक्स भी इनका ही है। तो MDN आपका, MDN में इवेंट सर्च कर लेना एक बारी, इवेंट्स रेफरेंस, तो जितने भी इवेंट्स जो आपका ब्राउज़र सपोर्ट करता है सारे यहाँ पे लिस्ट कर रखे हैं कि भाई ये इवेंट्स हैं, कि भाई जब यहाँ से कुछ इनपुट जाता है या बोर्ड से कुछ इनपुट जाता है या माइक से इनपुट जाता है, तो आपको नीचे की चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है, वो OS देखता है, वो मुझे मुझे बताता है, मैं आपको बता दूँ, जस्ट आपको उसके नाम पता होना चाहिए। तो जो ये पेज है ना, इसमें सारे इवेंट जो भी ब्राउज़र डिटेक्ट कर सकता है सबके बारे में लिखा होता है, ठीक है। तो इसमें से ही रिसेंटली यूज की प्रेस, तो ऑफकोर्स डेवलपर है कोई तो बंदा की प्रेस को तो लिसन करता ही होगा, तो की डाउन नाम का इवेंट होता है, ठीक है। तो की डाउन सर्च कर लो, तो कोई भी अगर आपकी की प्रेस होगी ना, तो एक की डाउन नाम का इवेंट अकर होता है, ठीक है। तो सिंपल चीज़, आप क्या कर लो यार, script.js पे जाओ। अब अगला काम जो हम कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना कि भाई यूज़र कोई इनपुट दे उसके वजह से मुझे अगर अगर काम करना हो तो लाइए। अभी के लिए बाकी सारा कोड तो मैं बंद कर रहा हूँ, इसको मिनिमाइज़ कर रहा हूँ। अब जस्ट मैं यूज़र इनपुट के लिए लिसन कर रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपल सा काम, किसी भी चीज़ के हिसाब से कर लो। तो बोर्ड डॉट या बॉडी विंडो किसी के हिसाब से कर सकते हो, तो एक काम कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिस्नर, ये एक फंक्शन है जो ब्राउज़र ने दिया हुआ है, ठीक है। इससे आप इवेंट्स ऐड कर सकते हो, मतलब कि इवेंट्स इवेंट ऐड नहीं करते, इवेंट लिस्नर ऐड कर सकते हो, जो ब्राउज़र हमें बताया कि भाई हाँ ये अभी ये इवेंट अकर हुआ है, तेरे को जो करना था वो तो कर ले, ठीक है। या हाँ, तो उसमें एक इवेंट होता है आपका की डाउन, जब भी की प्रेस होगी तो की डाउन वाला इवेंट अकर होगा, ठीक है। तो जब भी डॉक्यूमेंट लगे पेज पे हम ये वाला इवेंट लिसन कर रहे हैं, तो ब्राउज़र जब भी ब्राउज़र को पता लगे कि अच्छा किसने कोने की प्रेस करी है, तो ये इसके साथ वाला फंक्शन रन कर देगा कि भाई कंसोल डॉट लॉग कोई तो की है। सो जस्ट देखना कहाँ पे, आपको यहाँ पे आइए, कंसोल पे आइए और कोई भी यहाँ पे आके की प्रेस करिए, कोई तो की है, ठीक है। अच्छा, क्या कोई तो की है काफ़ी है हमारे लिए? हमारे लिए काफ़ी नहीं है। तो इसके साथ साथ जिम्मेवारी किसकी बनती है? जिम्मेवारी बनती है आपके ब्राउज़र की, वो आपको एक इवेंट नाम का ऑब्जेक्ट पास करता है, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है कि भाई इवेंट कैसा कर हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं प्रिंट करने के लिए, कंसोल डॉट लॉग ई। तो अब जाते हैं इधर और कुछ प्रेस करते हैं कि भाई कोई तो की है, अब उसको एक्सप्लेन करने वाला ऑब्जेक्ट भी दिया सामने वाले ने, ठीक है। तो इससे तुम्हें खुद पता लग जाएगा। तो जैसे देखो डब्ल्यू प्रेस कराए तो ई के अंदर की प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या पड़ी है, डब्ल्यू डब्ल्यू पड़ी हुई है। अगर मैं एस प्रेस करता हूँ, यहाँ पे जाके एस प्रेस करता हूँ, तो ये देखिए की के अंदर जाके एस वैल्यू पड़ी है, ठीक है। डाउन करता हूँ तो एरो डाउन, अप करता हूँ तो एरो, सिंपल इज दैट। जस्ट मुझे किसी क्या 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 करने हैं, देखो अगर डब्ल्यू एस है तो लेफ्ट वाले पैडल को छेड़ना है, अगर क्या है आपका अप डाउन है तो राइट वाले पैडल को छेड़ना, बस सिंपल। जस्ट उसके लिए पहले भाई साहब को उठा लो, मतलब कि सेलेक्ट कर लो, उठा लो, चलो। तो लेफ्ट पैडल इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर डॉट लेफ्ट, कि भाई लेफ्ट वाले बंदे को उठा के लेके आओ पेज में से, तो लेफ्ट पैडल और लेट राइट पैडल, और ऑफ कोर्स इसकी मुझे टॉप बॉटम लेफ्ट राइट की भी ज़रूरत पड़ने वाली है ना। तो कोई नहीं जी,
तो मैं क्या चाह रहा हूँ यार कि तुमने अभी बॉल तो मूव करवा के दिखाई थी कि यार मूव करना मूव क्या ही है कि जस्ट टॉप को चेंज करते जाओ तो वो नीचे जाता जाएगा, लेफ्ट को चेंज करते जाओ तो वो आगे जाता जाएगा, तो वही काम इसमें भी करना है। तो यार सिंपल सा अभी अभी मैंने मैंने तुम्हें दिखाया, मेरे पास चार केसेस होंगे कि भाई अगर इवेंट डॉट की जो थी वो अगर आपकी डब्लू है तो कुछ करोगे, ठीक है। अगर ई डॉट की जो है वो आपकी एस के इक्वल है तो कुछ करोगे, अगर आपके पास ई डॉट की जो है यार उसका नाम तो याद नहीं है, बस एक बार लॉक करवा के चेक कर लेते क्या नाम था भाई का, एव डाउन वाली स्पेलिंग वेलिंग क्या थी, क्योंकि एग्जैक्ट होना चाहिए जो वो बंदा बता रहा है उसके एग्जैक्टली मैच करना चाहिए। तो जस्ट ऊपर आके इधर आके एक बारी अब प्रेस कर दिया, ये क्या इशू आ रहा है, स्क्रिप्ट 18 पे किसी को कोई इशू है तो लाओ इसका इशू ठीक करते हैं भाई का। एल्सिफ, अच्छा ये यहाँ रो रहे हैं सर हमारे, तो ये इशू ठीक हो गया। अच्छा अब हम एरो अप, हाँ तो बेसिकली ये चीज़ एरो अप, तो अगर आपका ये एरो अप आता है कि ना, हाँ एरो अप आता है, एरो और एल्स इफ अगर ई डॉट की जो है वो है एरो डाउन के इक्वल, शायद डाउन स्पेलिंग यही होती होगी, ठीक है। तो अब क्या करना है भाई, देखो डब्ल्यू एस में लेफ्ट वाले को कुछ कहना है और एरो अप डाउन में राइट वाले को कुछ कुछ कहना है, ठीक है। तो मैं एक फंक्शन बना देता हूँ मूव नाम का, मूव पैडल नाम का, ठीक है। उसमें जस्ट आपको पैडल का नाम दे भेज दो कि भाई लेफ्ट वाले को, लेफ्ट पैडल को, ठीक है ऊपर भेज, ठीक है। तो जस्ट करना ही क्या है, मैं क्या चाह रहा हूँ कि यार देखो जितना वो है ना आपकी स्क्रीन है, स्क्रीन का 10% ऊपर नीचे हो जाए बस, तो उसका एक तरीका होता है। जैसे आपके पास एक आपके डॉक्यूमेंट तो एचटीएमएल को डिफाइन करता है लेकिन और भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका विंडो रिसाइज हो गया, ठीक है, कोई 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 चीज़ कहीं पे मूव कर रही है, और भी चीज़ें होती हैं जैसे कि स्टोरेज हो गया, ठीक है उस पेज के लिए, तो वो सब होता है विंडो के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है इनर हाइट, तो बेसिकली देता क्या है कि अभी करंटली जो विंडो की हाइट है ना वो विंडो की इनर हाइट में होती है, और विंडो की जो क्या है इनर विड्थ वो है इसके अंदर आपके उसके अंदर बेसिकली विंडो और इनर विड्थ वही है ना भाई, विड्थ है पेज की और क्या है करंट विड्थ। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ दोबारा लॉक करता हूँ तो भाई विड्थ बढ़ा दी तो ये बढ़ गया, ठीक है। तो सौ बात की एक बात भाई, देखो सिंपल चीज़ है, मूव पैडल के अंदर हम क्या भेजेंगे, जब डब्ल्यू है, डब्ल्यू का मतलब ऊपर जाना है, मतलब टॉप को माइनस करो है ना, टॉप का मतलब जितना टॉप बढ़ाओगे तो ऊपर से और नीचे आता जाएगा, बस वही चीज़। तो विंडो डॉट इनर हाइट वर्टिकली चेंज करना है ना, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस कर देते हैं, सॉरी यहाँ माइनस नहीं कर सकते भाई, इनटू में एक मिनट रुक जाते हैं, इनटू में हाँ मतलब कि वो पढ़ने से बता दूँ सीधा, तो हाँ तो 0.1 मतलब कि 10% माइनस कर दो, मतलब मेरा जो फंक्शन है वो ये काम करने वाला है। तो सेम इसमें प्लस कर दो, ठीक है, और अगला काम राइट वाले के लिए कर दो बस। तो जी ये हो गया हमारा मूवमेंट का काम, तो ये तो एरो अप से आपको डब्ल्यू एस, हाँ ठीक है, और जस्ट यहाँ प्लस कर दो बस, ठीक है यार। तो यार अब इम्प्लीमेंट कर लेते हैं हम मूव पैडल, तो मूव पैडल में ज़्यादा कुछ है नहीं, जस्ट जो काम हमने बॉल के लिए करा था सेम काम हमें पैडल के लिए करना होगा, ठीक है। तो यार ऊपर से आया करेगा कि कौन सा पैडल है,
तो करंट पेडल बोल देता हूँ उसको मैं, और उसमें उसके टॉप में कितना आपको चेंज करना है, ठीक है, ये भी आया करेगा, ठीक है। अच्छा तो सिंपल सी चीज़ है कि यार जो करंट पैडल है उसका बाउंस निकाल लो, अपने निकाल ले बाउंस, ठीक है। वहाँ से उसकी करंट टॉप लेफ्ट बॉटम राइट आ जाएगा, ठीक, करंट पैडल बाउंस, ठीक है। तो वो निकाल लिया हमने। अब अगला काम क्या है कि आपको जस्ट सिंपल सा काम करना है, करंट पैडल जो है हमारा उसके स्टाइल के टॉप में वो जो चेंज है ना उसको ऐड कर दो। पॉजिटिव होगा तो यार नीचे आ जाएगा, नेगेटिव होगा तो ऊपर आ जाएगा, ख़त्म बात। जस्ट करंट पैडल बाउंस, पैडल बाउंस का जो टॉप है उसमें डेल्टा ऐड कर दो, डेल्टा या जो चेंज होगा वो ऐड कर दो, ठीक है, और प्लस पिक्सल, ठीक है, पिक्सल ऐड करना मत भूलना है प्लीज़, ठीक है। तो लाइए टेस्ट करते हैं फिर इसको। अब तो ऊपर जा रहा है, लेकिन एक इशू देख रहे हो क्या हो रहा है कि अरे बाउंड से बाहर जा रहा है, ठीक है। तो अगला काम क्या है कि यार इसके बाउंड चेक कर लो। तो सिंपल चीज़ मैं क्या करने वाला हूँ, यार देखो जो ये है ना कि भाई जो पैडल है उसका टॉप बोर्ड के टॉप से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, हमेशा ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि नीचे, और जो पैडल का बॉटम है, पैडल का जो बॉटम है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, वो कम होना चाहिए बोर्ड के बॉटम से, जस्ट वही है। तो जस्ट हमने ये वेरिएबल बना रखा था बोर्ड बाउंड्स के नाम से, यहाँ पे सारे बाउंड सेम हैं इसके टॉप बॉटम लेफ्ट राइट के बोर्ड के अपने। तो सिंपल सा पहले आप चेक लगा लो कि भाई अगर आप वैलिड हो तो ये आपको हम आगे जाने देंगे। तो सिंपल सा तरीका है, कुछ है तो ज़्यादा है नहीं, तो सी पैडल बाउंड्स डॉट टॉप, टॉप प्लस चेंज, कि भाई जो चेंज करने के बाद क्या मैं बाहर तो नहीं चला जाऊंगा, अगर मैं तब भी ज़्यादा हूँ किससे, उसके टॉप से, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है बोर्ड के टॉप से। तो बोर्ड बाउंड, बोर्ड सॉरी बॉल लिख दिया इसने, बोर्ड बाउंड्स डॉट टॉप से ज़्यादा हूँ और बॉटम से कम हूँ, ठीक है। तो करंट पैडल जो भी आया है डॉट बॉटम, ठीक है, में बाउंड ऐड कर दो, बाउंड सॉरी जो डेल्टा जो चेंज है वो ऐड कर दो, और अगर वो भी कम है किसके, बोर्ड के बॉटम से, तो फिर यू आर सेफ, तो आप चेंजेस कर सकते हो, तो बाउंड के बीच में काम कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा। चलिए तो लाइए वेरीफाई करते हैं इसको। तो ये ऊपर जा रहा है और ऊपर नहीं 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 जा पा रहा, मैं प्रेस कर रहा हूँ, शायद आपको माइक्रोफोन में आवाज़ आ रही होगी, नीचे के लिए भी नीचे नहीं जा रहा, सेम इसके लिए भी, ठीक है। तो हमने क्या करवा लिया है इस वीडियो के अंदर, अभी तक हमने वो पैडल बना भी लिया है और उसको मूव भी करवा रहे हैं और बाउंड्स के अंदर मूव करवा रहे हैं, ठीक है। अब अगला काम क्या है, अगली वीडियो के अंदर या हाँ अगली वीडियो के अंदर ही हम क्या करेंगे, अब हम बॉल और पैडल के बीच में कोलिजन करवाएंगे, ठीक है, लाइव्स का देखेंगे और गेम ओवर। ठीक है यार, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर यार ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। कोई सेशन वगैरह है, कुछ इम्प्रूवमेंट करने का स्कोप है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। ऑफ कोर्स वीडियोस मेरी रेगुलर ही आएंगी, मैं फुल टाइम इसी पे काम कर रहा हूँ, और नेक्स्ट थिंग यह चैनल को सब्सक्राइब कर लो एटलीस्ट, ठीक है। अगर कंटेंट देख रहे हो और कोई कंटेंट मिस ना हो उसके लिए, हाँ वो बेल नोटिफिकेशन नाम की चीज़ होती है तुम्हें पता ही होगा, उसको दबा देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बाय, टाटा।